पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा एलएन रायपुर के बारे में सब कुछ। कैंपस टूर भी कराऊंगा, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। एड्रेस के बारे में बता दूं, पचपड़ी नाका से सिद्धार्थ चौक की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो जीएसटी भवन बीच में पड़ता है। जीएसटी भवन और हरिभूमि प्रेस, इन दोनों के अपोजिट साइड में एलएन करियर इंस्टीट्यूट रायपुर का सेंटर है। और ये जो सेंटर है पुजारी चैम्बर्स के एवी ब्लॉक में एस्टेब्लिश्ड है। अभी आप देखेंगे एंट्री गेट का एरिया, ये है एंट्री गेट जहां से आपको एलएन रायपुर में अंदर की तरफ आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको अब आगे जब बढ़ेंगे तो पार्किंग जोन का एरिया दिखाता हूं, जहां पे आप जब आते हैं तो आप अपनी कार, बाइक, साइकिल जो भी है, बच्चे भी खड़ी करते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो ये वाला जो सेगमेंट है ये कम्प्लीटली एक पार्किंग जोन है जहाँ पे बच्चे अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं। यहाँ पे बच्चों की और पार्किंग का जो टेक केयर करने के लिए गार्ड्स अवेलेबल होते हैं, जो भी पार्किंग की व्यवस्था होती है उसे बना के रखते हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और कैंपस में सारी सब चीजों को देखते हैं। ये जो व्हाइट वाला जो सेक्शन है मैंने जो भी दिखाया, ये पूरा 26 क्लासरूम का एलएन का सेंटर है रायपुर का, ठीक है। और अभी हम आगे की तरफ जहाँ बढ़ रहे हैं वो एलएन का फ्रंट ऑफिस का एरिया होगा। फ्रंट ऑफिस का एरिया में क्या क्या चीजें होती हैं जब आगे वीडियो में देखते जाइए और चीजें सब बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी आपको। ये देखिएगा सैनिटाइजर एंट्री गेट पे लगा हुआ है, गार्ड यहाँ पे आपकी एंट्री करते हैं। और ये वाला जो एरिया है इसमें लेफ्ट साइड में ये जो है एलएन रायपुर का ऑफिस का फ्रंट ऑफिस का एरिया है, यहाँ पे सबको एडमिन की टीम पूरी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो एरिया है वेटिंग एरिया है फ्रंट ऑफिस में। और सामने में आप देख पा रहे हैं ये तीन काउंसलिंग डेस्क हैं जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू एडमिशन और फॉर्म फिलिंग, एलएन के सिस्टम के बारे में सारी सब चीज़ें आपको जानने को मिल जाएंगी। आप जब यहाँ आते हैं तो आपको जो फीस वगैरह का डिपॉजिट करने आते हैं तो ये अकाउंट सेक्शन है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये संडे को वीडियो शूट हो रहा है और यहाँ पर आज बच्चे नहीं हैं क्योंकि वर्किंग डेज में थोड़ी दिक्कत होती है, वीडियो शूट नहीं कर सकते डिस्टर्बेंस की वजह से। तो ये ऑफ डेज में वीडियो शूट हो रहा है, तो अभी आपको बच्चे या बाकी चीज़ें वैसे नहीं दिखेंगी जो रेगुलर डेज में दिखती हैं, ठीक है। तो ये फ्रंट ऑफिस का एरिया हो गया। फ्रंट ऑफिस के एरिया से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और जब हम आगे देखते हैं तो हमें एक ये जो एरिया है, ये वाले वेटिंग एरिया को तो आपने देख लिया, अब बाहर में भी एक वेटिंग एरिया है। ये वाला वेटिंग एरिया आप बच्चों को लेने आते हैं या बच्चों को छोड़ने आए हैं और अगर आपको रेस्ट करना है, वेट करना है तो आप यहाँ पर बैठ के कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं। इन सीढ़ियों के थ्रू हम लोग को ऊपर चढ़ना रहेगा, ये कॉर्नर से सीढ़ियाँ अवेलेबल हैं। तो चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। और ये जो एरिया है ये लॉबी है, फर्स्ट फ्लोर की लॉबी है, यानी कि इस लॉबी में आपको बहुत सारी क्लासेस हैं, क्लासरूम्स बने हुए हैं, क्लासेस देखने को मिल जाएंगे। ये सारे जो आपको टेबल दिख रही है सब डाउट काउंटर्स हैं, यहाँ पे 1-to-1 में बच्चे एक या दो बच्चा बैठ के भी अपना डाउट डिस्कस कर सकता है फैकल्टी से। फैकल्टी सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। ये काउंटर पर्सन की सिटिंग एरिया है जहाँ पर आपको कोई भी कोऑर्डिनेशन चाहिए क्लासेस को लेके या कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, आपको काउंटर पर्सन से हेल्प करेंगे पूरी हर एक चीज में, ठीक है। अब मैं आपको क्लासरूम्स दिखाना चाहूँगा कि आप क्लासरूम्स देखें ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरीके के किस साइजेस के क्लासरूम्स हैं। ये जो क्लासरूम साइड में देखा, एक क्लास वहाँ पे है, एक क्लासरूम ये है, ये सारे बड़े बच्चों की और जो ड्रॉपर बैच या 12th के बच्चे जो आते हैं उन लोगों के लिए बड़े क्लासरूम्स हैं। यहाँ पर बैठ के बच्चे सेल्फ स्टडी भी करते हैं, इनमें से कुछ रूम्स जो हैं सेल्फ स्टडी के लिए भी अलॉटेड हैं, ठीक है। किस तरीके का रूम डिजाइन है, सारे फुल्ली एसी कवर्ड है देखिए, और फैंस भी लगे हुए हैं और बहुत अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया हुआ है, ठीक है। हर कोविड के अकॉर्डिंगली ये देखिए किस तरीके से टेबल पे मार्किंग की हुई है, जिस तरीके से बच्चों का सिटिंग अरेंजमेंट रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ मैं आपको दिखाऊंगा एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है, काउंटर होता है सॉरी, जहाँ पे ये वाला एरिया, ये डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर होता है जहाँ से बच्चे अपनी बुक्स, स्टडी मटेरियल वगैरह और भी चीज़ें जो होती हैं जो रेगुलर बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट होती है वो कलेक्ट कर सकते हैं। ये जो क्लासरूम के पहले पड़ेगा ये फैकल्टी रूम है। ये फैकल्टी रूम जो है PNCF की फैकल्टीज के लिए है, जो 8, 9, 10 की फैकल्टीज होती हैं वो यहाँ बैठ के अपना पढ़ाई का काम भी करती हैं, बाकी रेस्ट करना होता है जो भी क्लासेस के बाद फ्री टाइम होता है वो यहाँ पे अवेलेबल होती है। चलिए
एक काउंटर पर्सन यहाँ पे बैठते हैं और ये है क्लासरूम जो हाइब्रिड क्लासरूम है कम्प्लीटली फुल्ली आप देख सकते हैं एसी कवर्ड अगेन। और क्लासरूम के साइजेस देख के आपको एक कंफ्यूजन तो दूर हो गया होगा, जो बहुत र्यूमर्स आपने सुने होंगे कि बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा होचपोच वाला जो सीन होता है क्लासरूम में वैसा नहीं है। आप देख पा रहे होंगे एकदम छोटे छोटे क्लासरूम्स हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्लासरूम्स डिज़ाइन नहीं किए हैं। कुछ क्लासरूम्स बड़े हैं बट वो बड़े बच्चों के लिए हैं और उनमें उसी तरीके की व्यवस्था के साथ बच्चों को बैठाया जाता है। ये वाला जो एरिया है ये ड्रिंकिंग वाटर का एरिया है, यहाँ पे वाटर कूलर और आरओ का पानी आता है, ठीक है। तो बच्चों को अगर यहाँ से पीने का पानी भरना होता तो वो यहाँ से भर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वॉशरूम वाला एरिया जो बॉयज के लिए डेडिकेटेड है। ये जो एरिया है बॉयज का एरिया है जहाँ पे वॉशरूम बना हुआ है उन लोगों के लिए, और इस वाले एरिया में सिर्फ बॉयज अलाउड है और ये सेपरेट है, मतलब आप पूरा देखेंगे तो कवर्ड एरिया है जहाँ पे बॉयज को ही सिर्फ अलाउड है और बॉयज ही यहाँ पे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू मतलब एलन में जब आप फर्स्ट फ्लोर पे होते हो और वहां से सामने का एरिया किस तरीके का दिखता है, तो ये है फ्रंट व्यू जहाँ पे आपको पार्किंग एरिया दिख जा रहा है, एलन के बाकी क्लासरूम का जो एरिया है वो दिख जा रहा है, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक सारे एलन के ही क्लासरूम्स बने हुए हैं। अगेन मैं आपको एक बड़ा क्लासरूम जो आपको देखना चाहिए, यानी कि जो आपके डाउट भी होंगे कि कितने बड़े क्लासरूम्स यहाँ पे मैक्सिमम है, तो ये सबसे बड़ा क्लासरूम है। अब इतना बड़े क्लासरूम्स को आप देख लिए हैं, अब आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सीबीटी लैब। अब मैं आपको सीबीटी लैब दिखाता हूँ जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए लैब है जहाँ पे हमारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीबीटी लैब को पूरे अच्छे से देख लेते हैं। ये सीबीटी लैब का जो क्लासरूम बना हुआ है ये पूरी लैब है एक्चुअली, तो इसको कंप्यूटर लैब भी कहते हैं, सीबीटी लैब भी कह सकते हैं और कंप्यूटर रूम या क्लासरूम भी कह सकते हैं, जहाँ पे बच्चे अपने टेस्ट की प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। और जब भी उनके जैसे संडे तो संडे को टेस्ट शेड्यूल है तो बच्चे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर उन्हें कुछ भी और भी काम होता है कंप्यूटर से रिलेटेड तो वो परमिशन लेके यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। और ये जो पूरा वीडियो शूट हुआ है पिन ड्रॉप साइलेंस में विदाउट एनी डिस्टरबेंस शूट हुआ है, तो बच्चे आराम से कंफर्ट होकर आप देख पा रहे हैं कि हर बच्चा अपने एग्जाम में लगा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं, ये मैं आपको जो एरिया दिखाने वाला हूँ ये पीएनसीएफ का एरिया है, प्री नर्सर वाले 8 9 10th वाले बच्चों का एरिया है जहाँ पर उनकी क्लासेस लगती हैं। और ये जो रूम है ये एक्चुअली फैकल्टी रूम है, या पेरेंट्स जब आते हैं मिलने तो वो मिल सकते हैं, टीचर्स के साथ बैठ के बात कर सकते हैं अपनी कंट्रोल में। और उसके बाद अभी जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको एक क्लासरूम दिखाता हूँ जो मे बी आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। ये वो क्लासरूम्स हैं जो पहले नॉर्मल थे, अभी ये हाइब्रिड में कन्वर्ट हो चुके हैं। हाइब्रिड में ये सारे क्लासरूम कन्वर्टेड हैं, यानी जितने भी क्लासरूम हैं सब हाइब्रिड में कन्वर्टेड हैं। और जब आपका बच्चा आता है जो 8 9 10th के बच्चे वो यहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे किस तरीके से क्लासरूम्स बने हैं तो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है और इतने बड़े बड़े बोर्ड्स हैं ताकि बच्चे आराम से देख सकें। माइक सिस्टम सभी में लगे हुए हैं, आप ये चीज़ देखिएगा हर क्लासरूम में माइक सिस्टम है ताकि बच्चों को साउंड का कोई इशू ना आए, यानी कि अगर कोई आगे बैठा है और पीछे बैठा है तो वो डिफरेंस नहीं दिखेगा, ठीक है। और ये आरओ लगा हुआ है, वाटर कूलर लगा हुआ है इस वाले एरिया के बच्चों के लिए। और ये वॉशरूम वाला एरिया है, तो वॉशरूम गर्ल्स का उधर है और बॉयज का वॉशरूम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बॉयज का वॉशरूम है जो कि छोटे बच्चों के लिए है, छोटे बच्चे एक्चुअली इसी एरिया में रहते हैं तो उनके लिए सेपरेट ये वाला एक वॉशरूम अलग से है। और अभी ये वाला जो एरिया है ये डाउट काउंटर है, बच्चे जो अटेंडेंट के होते हैं वो अपने डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पे आते हैं, फैकल्टीज यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, ठीक है। और अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ये एक फैकल्टी रूम है। उसके अलावा अभी मैं आपको स्टोर दिखाता हूँ जहाँ से जब बच्चे एडमिशन्स लेते हैं तो एक बार में जो मटेरियल बैग टी शर्ट्स वगैरह जो कलेक्ट करते हैं वो यहाँ से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी फ्री सिप के साथ आना है और आपको सारी सब चीज़ें यहाँ से दे दी जाएंगी। तो चलिए अभी मैं आपको जो अगली चीज़ दिखाने वाला हूँ वो गर्ल्स का जो वॉशरूम वाला एरिया है वो दिखा देता हूँ, जो कि सेपरेट है अभी आप देखेंगे।
ये वाले एरिया में आप देखेंगे ये तो इसका सेपरेट वॉशरूम एरिया है। ये ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट यहाँ पे किया हुआ है और ये जो आप देख रहे हैं फायर का अरेंजमेंट है कि अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है तो उसका सारा अरेंजमेंट होना चाहिए, ये कंपलसरी है और एलन में ये अवेलेबल है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ गर्ल्स वॉशरूम वाला एरिया, मैं बाहर से ही आपको दिखा देता हूँ ना पॉसिबल है तो। ये गर्ल्स वॉशरूम का एरिया है जहाँ पे गर्ल्स इसको यूटिलाइज करती हैं। ठीक है, और अभी मैं इसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो मैं आगे आपको बैक साइड में जो क्लासरूम्स अवेलेबल है मैं वो विजिट कराता हूँ। चलिए ठीक है, ये वाला क्लासरूम देखते हैं, ये भी हाइब्रिड क्लासरूम है आप देख पा रहे हैं और सभी में पूरी चीज़ें लगी हुई हैं, आप माइक से लेके कैमरा से लेके और वाइट बोर्ड ईच एंड एवरीथिंग उसी तरीके से बने हुए हैं जैसे सारे क्लासरूम से, बस साइजेस डिफरेंट है। ठीक है, ये पीछे का एरिया है, गार्डन एरिया है, संडे है तो कुछ लोग हैं पीछे जो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी इन्हीं के स्टाफ हैं तो वो खेल रहे हैं, बाकी यहाँ पे और कोई आता जाता नहीं, किसी को अलाउड नहीं है। आपको पीछे की साइड में मैं दिखाऊंगा, वो सामने जो एक बिल्डिंग दिख रही है बड़ी सी, वो बिल्डिंग एक्चुअली सेकंड होम के नाम से एक बॉयज हॉस्टल है जो कि जिस बिल्डिंग का जो ऑनर है वो उन्हीं का है, तो आप जब आते हैं तो बॉयज के लिए आप उसको कैसे विजिट कर सकते हैं। चलिए बैक साइड का एक और क्लासरूम में आपको विजिट करा देता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए कि किस तरीके के क्लासरूम्स हैं अवेलेबल हैं यहाँ पर, जो कि सब हाइब्रिड क्लासरूम्स हैं। ये देखिए पूरी व्यवस्था बनी हुई है और बहुत अच्छे से बनाई हुई है। कहीं पे भी कोई भी ऐसी फैसिलिटी जो एक इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब हम वहां से निकल के आ गए हैं और अब हम देखेंगे फर्स्ट फ्लोर की लॉबी, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा फर्स्ट फ्लोर की लॉबी में नोटिस बोर्ड कहाँ पे लगा हुआ है, ताकि आप जब भी कोई चीज की अपडेट, आपको एग्जाम से रिलेटेड रिजल्ट से अपडेट देखनी हो या टाइम टेबल से रिलेटेड देखनी हो तो वो कहाँ देखेंगे, वो आप देखेंगे यहाँ पर। ये है आपका नोटिस बोर्ड जहाँ पर आपको बाकी जो चीजें मैंने बताई हैं टाइम टेबल रिजल्ट अदर शेड्यूल नोटिस अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट फ्लोर की लॉबी में जो सीनियर बच्चों के क्लासरूम्स हैं मैं वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। और इस एरिया में लगभग 5 से 6 क्लासरूम्स हैं जो सीनियर यानी कि बड़े बच्चों की क्लासेस होती हैं जिनमें 11, 12 या लीडर वाले बच्चों की। ये सभी डाउट काउंटर्स हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये सभी जगह पे बच्चे डाउट डिस्कस करने के लिए आते हैं सुबह 10 से रात को 8 बजे तक सभी बच्चे यहाँ पे डाउट डिस्कस करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, होप सो मैंने सारी डिटेल अच्छे से दी होगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।